मित्रों सक्सेस बाय चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है और ये पर्यायवाची की 11वीं श्रृंखला है इसका। और आज 11वीं श्रृंखला को लेकर कुल लगभग 55 महत्वपूर्ण पर्यायवाची को डाल दिया गया है। आगे भी ऐसी श्रृंखलाएं आती रहेंगी जो ARO एग्जाम के लिए आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगी। आज इस पर्यायवाची में हम लोग महादेव अर्थात की भगवान शंकर, आंगन, इंद्राणी, मधु, गधा इन 5 पर्यायवाची पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारी पहली पर्यायवाची क्या है। तो पहली पर्यायवाची है वो महादेव की है। तो महादेव की जो पर्यायवाची पहली है वो शिव शंभो शंकर हर है। ये हरि नहीं है, यानी कि इस पे अंतर रखिएगा। महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, ये कई बार पूछा गया कि चंद्रशेखर किसकी पर्यायवाची है, ये साथ ही ये आपका इम्पोर्टेंट है। नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। गंगाधर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उमापति, भूतनाथ, पशुपति, गिरिजापति, कपर्दी, कपर्दी भी एक बार आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। वामदेव, याद रखिएगा ये कामदेव वामदेव में फर्क रखिएगा एग्जामिनेशन में, ताकि झटके में कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कैलाशपति, शीतकंठ, इंदुशेखर, इंदुशेखर भी इंपॉर्टेंट है। भूतेश, त्रिनयन, विधुशेखर, विधुशेखर और पिनाकी ये अलग अलग है, याद रखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पिनाकी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और विधुशेखर भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये दो पर्यायवाची है, विधुशेखर और पिनाकी। चंद्रमौली, ये इंपॉर्टेंट है। शशिशेखर, मदन रिपु, ये भी इंपॉर्टेंट है। अतः आपका ये जो महादेव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हो सकते थे वो सारे हमने इंक्लूड कर दिए। आंगन, आंगन देखने में छोटा है लेकिन अक्सर यह दूसरे मतलब कि मैक्सिमम ये पूछा जाता है पर्यायवाची के तौर पे। अंगना, ये तो सिंपल सा है। अजीर, यही पूछा जाता है बार बार आपसे। अजीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख दें। प्रांगण, और प्रांगण ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, तो आपको ये नहीं भड़कना है कि क्या है। प्रांगण ऐसे मिले चाहे ऐसे मिले, आपको आंगन का ही करना। बगर, ये जो आंगन की पर्यायवाची है, याद रखिएगा यह कम से कम 3 से 4 पुस्तकों को मिला के लिखा गया है, इसलिए आपको कुछ शब्द नए लग रहे होंगे, उस पर आपको ये मानना चाहिए कि सारा चीज ऑथेंटिक है। अगला इंद्रवधु, इंपॉर्टेंट है। इंद्रवधु जो इंद्राणी, इंद्राणी मतलब जो इंद्र की पत्नी है, इंद्रा, सची, सची जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूछा था कि सची ने उनमें किस देवी को कहा गया है, तो यह इंद्र की पत्नी को। पुलोमजा, श्रतावरी, पौलोमी, मध्यावनी, यह इंद्राणी का पर्यायवाची है। मध्यावनी को एग्जामिनेशन में आपके ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लियर। तो अगली पर्यायवाची पे हम लोग अगर चर्चा करें तो आइए देखते हैं अगली पर्यायवाची हमारे पास है मधु। तो जो मधु की पर्यायवाची है, शहद, वसंत ऋतु, शराब, मदिरा, चैत्र मास, कुसुकासव, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। मकरंद, पुष्पासव, माक्षिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आपके एग्जामिनेशन में सीसेट में ये पूछा गया था कि माक्षिक किसका पर्यायवाची है। पुष्प रस, भ्रम रज, सुधा, ये इतना मिला के आपका मधु का पर्यायवाची होगा। तो शराब मदिरा में याद रखिएगा ये मधु का भी पर्यायवाची होता है, इसलिए आप लोग उस पर आगे कंफ्यूज मत होइएगा। गधा, गधा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा शब्द है गधा, लेकिन गधा एग्जामिनेशन की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा मतलब लिखने में गड़बड़ हुआ है, रासभ, इसे बोलते हैं रासभ। शंखकड़, शीतला वाहन, ये शीतल वाहन लिखा गया है जबकि इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। शीतला, जो माता शीतला है उनका वाहन होता है, शीतला वाहन, शीतला वाहन ऐसे लिखा जाएगा। ये खर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सीसेट में भी पूछा गया है कि खर क्या है। तो गदह, ये गदहा है, गदहा। लंबकड़, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि लंबकड़ किसका है। और वैशाख नंद या वैशाख नंदन, ये दोनों प्रकार से आता है, ये कई बार आपके आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। गर्दव, गर्दव ये तो पर्यायवाची में पूछा जा भी सकता है और इसको हम लोग तद्भव तत्सम में भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 5 पर्यायवाची की श्रृंखला हमने कंप्लीट कर दी है।
यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आपको सबको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर।